मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि पता है कि लास्ट वीडियो जो हमारा आया था जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए आया था वो था बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अलग अलग राइटर्स का ऑथर्स का बायोग्राफी लेके आऊँगी, बट इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम जो एक पर्सन का ले रहे हैं हम उसी के बारे में आगे पढ़ते जाएँ, उसी के बारे में हम जितना भी है उसको जाने। जैसे विलियम शेक्सपियर की हमने बायोग्राफी पढ़ ली, तो अब हमें उन्हीं के बारे में जानना है कि उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से थे, फेमस वर्क कौन से थे, तो हमको पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज विलियम शेक्सपियर के टॉप सोनेट्स लेके आई हूँ। पहले हम इनको धीरे धीरे कम्प्लीट करते हैं, फिर हम किसी अदर पोइट का देखेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट है, मीन्स जो 11th 12th में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या अपने आगे कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, या अभी वो कॉलेज में हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक नॉलेज है जो उन्हें होनी चाहिए। ओके, सो मैं चाहूँगी कि आप इसे देखें, एंड जो आपका फ्रेंड हो वो भी इसी बैकग्राउंड से हो तो उन्हें भी शेयर करें। ओके, सो हम आज पढ़ेंगे टॉप 25 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, क्लियर। एंड सेकेंड थिंग, सोनेट मीन्स क्या होता है? अगर आप सोचे सोनेट क्या होता है, तो 14 लाइन्स की जो पोएट्री होती है उसे सोनेट्स बोलते हैं, उसे सोनेट बोलते हैं, 14 लाइन पोएट्री, क्लियर। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के टॉप 25 सोनेट्स। फर्स्टली हम देखेंगे शेक्सपियर का बर्थ 1564 एंड डेथ 1616, और उन्हें और क्या कहा जाता है, इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर बताया था कि उन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड मीन्स होता है पोइट, और एवन उस जगह का नाम है जहाँ वो रहते थे, उनका बर्थ प्लेस, क्लियर। अब हम देखेंगे टॉप 25 शेक्सपियर सोनेट्स। टोटल 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे थे। अब आप सोचोगे इतनी बिजी लाइफ थी हमारे शेक्सपियर की, तो उन्होंने इतने सोनेट्स लिखे कब? तो हुआ ये था जब उनके वहाँ पे प्लैग जो इन्फेक्शन डिजीज़ फैली थी, उस टाइम सारे थिएटर्स वगैरह बंद रहे थे, वो अपने घर पे थे, फ्री थे, उस टाइम उन्होंने अपने 154 सोनेट्स कंप्लीट किए थे। तो आज उनके टॉप 25 सोनेट्स हम देखेंगे। और सोनेट क्या होता है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 14 लाइन पोएम। फर्स्ट था उनका जो टॉप है सोनेट, वो है 27 नंबर वाला। मीन्स ये क्या होता था, 154 सोनेट थे ना, तो ये सबके नंबर्स हैं। तो फर्स्ट में आएगा हमारा सोनेट 27। ये एक तरह का ऐसी पोइट्री थी जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन था, मीन्स जो पोइट थे वो खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे थे, कि मतलब उनको नींद नहीं आती थी, वो सोना चाहते थे बट वो कभी सो नहीं पाते थे, वो इतने ज़्यादा मतलब जो ओवर थिंकिंग में इतने ज़्यादा डूबे रहते थे, उनको नींद आता, तो वो इस पोइट्री में है सोनेट 27। देन सोनेट 18, शैल आई कंपेयर द टू द समर डे। ये उन्होंने अपनी बीलव्ड के लिए लिखा है, उन्होंने कंपेयर किया उसे समर डे से, ये है सोनेट 18। देन सोनेट 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो पोइट्री है रिलेटेड विद ट्रू लव है, ओके, सो इसे पढ़ना, बहुत अच्छी पोइट्री है। देन सोनेट नंबर 104, टू मी फेयर फ्रेंड यू कैन बी ओल्ड। ये जो पोइट्री है ये जो हमारे शेक्सपियर है उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखी, मींस जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से फर्स्ट मीटिंग थी उनकी, पहली बार मिले थे, उसके बारे में इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन सोनेट 130, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। इसमें है ऑल अबाउट फीमेल ब्यूटी, ये जो पोइट्री है ऑल अबाउट फीमेल ब्यूटी। देन सोनेट 129, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट एंड वेस्ट ऑफ शेम। देन सोनेट नंबर 1, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। देन सोनेट नंबर 65, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। सोनेट नंबर 75, सो आर यू टू माई थॉट्स एज फूड टू लाइफ। सोनेट नंबर 23, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। सोनेट नंबर 80, Oh, how I faint when I of you do right. Sonnet number 22, my glass shall not persuade me I am old. Sonnet number 3, look in the glass and tell the face though viewest. Sonnet 30, went to the sessions of sweet silent thought. इसमें उन्होंने अपने जो ऐसे लोग हैं, उनके लव वंस हैं जो उनसे दूर हो गए, मीन्स जिन्हें उन्होंने खो दिया शेक्सपियर ने, मीन्स हमारे जो पोइट हैं उन्होंने अपने ऐसे लव वंस को खो दिया है, उन्हीं की याद में
ऐसे वो थॉट्स हैं उनके माइंड में आ रहे हैं, उन्हें वो याद कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये पोइट्री है, सोनेट नंबर 30, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। देन सोनेट नंबर 106, वैन इन द क्रॉनिकल ऑफ वेस्ट टाइम, वेस्टेड टाइम। क्लियर? सो ये है हमारे 15 टॉप 25 सोनेट्स शेक्सपियर के, उन्हें आज डिस्कस करूँगी, बट मैंने टॉप 15 सोनेट्स ही बताए। उसका रीज़न ये कि अगर अभी मैं आपको 25 के 25 बता दूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबको लर्न कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर 15 ही दिए तो मे बी पॉसिबल कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो, नोटेड करो अपनी नोटबुक में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो आपको आज 15 पढ़ने हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए हैं उनको भी लेके आ जाऊँगी। और देखिए, हमें जब कोई भी लिटरेचर पढ़नी पड़ती है, अब ये जो सोनेट्स हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है, हमें समझ में आना इट्स नॉट ईजी, उनको समझना इतना ईजी नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, अपने पास एक डिक्शनरी रखनी है और हम जितना ज़्यादा हो सके ना हमें रिसर्च करनी है शेक्सपियर के सोनेट्स पे, लिटरेचर पे रिसर्च करनी है। अगर हमें जानना है, हमें इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं ना जो बुक्स अलग अलग पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इनको पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छी पोइट्रीज है, बहुत अच्छे सोनेट्स हैं। मैंने बहुत सारे पढ़े हैं इनमें से, बिकॉज बहुत सारे सिलेबस में थे, कॉलेज में थे, स्कूल्स में भी बहुत सारे ऐसे हमारे टॉपिक्स आए हुए, तो बहुत सारे मैंने पढ़े हुए, बहुत से नहीं पढ़े, बट उनके जो कंटेंट है, उनके थीम वगैरह मैंने देखी तो बहुत अच्छे सोनेट्स है। तो मैं ट्राई करूँगी मैं उन्हें आगे पढ़ूँ एंड आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन्हें पढ़ना। एंड इनकी लैंग्वेज ज़रूर हार्ड है, लैंग्वेज हार्ड है, ये एक तरह से इसको भी एक लिटरेचर बोलेंगे, एक अलग लिटरेचर है। तो शेक्सपियर को एक अपनी अलग ही लैंग्वेज मानते हैं, तो उनकी लैंग्वेज हार्ड होती है, बट उसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़े तो भी उसे पढ़ो, रिसर्च करो और उसके बारे में जितनी हो सके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। ठीक है, यही है हमारा लिटरेचर का अलग सा ही मज़ा। ओके, सो आई विश आपको इतना है जो मैंने आज आपको टोटल 15 टॉप सोनेट्स बताए वो आपको हेल्पफुल रहेंगे, उन्हें आप नोट कर लेना और नेक्स्ट में जल्दी लेके आऊँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड मोस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।